उत्तर प्रदेश होमगार्ड के गोरखपुर इकाई द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला कारागार अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के समाधि स्थल से एनएक्सी भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा तिरंगा बाइक रैली का पुष्प से स्वागत किया गया, जिसके संबंध में होमगार्ड के मंडलीय कमांडेंट के एच मिश्रा ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत होमगार्डों के द्वारा ब्लॉक से लेकर शहर तक तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। वहीं शहर में जिला कारागार से एनएक्सी भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि बैटन ऑफ फ्रीडम को ब्लॉकों से जिले पर लेकर आए हैं, फिर जिले स्तर से लेकर मंडलीय स्तर पर आ रहे हैं। बैटन ऑफ फ्रीडम को होमगार्ड मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदान किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे जनपद में बाइक रैली निकाली जा रही है, जिससे सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगा सके। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, जिला होमगार्ड कमांडेंट अरुण कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलीय होमगार्ड के कमांडेंट के एच मिश्रा ने कहा, आज का हमारे क्रम है उत्तर प्रदेश यात्रा पूरी करके अभी इसी सभागार में पहुंचते होंगे, तो उनके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मिश्रा जी को, वो यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में उस रैली का स्वागत किया, जिसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। और साथ ही हम अपने जवानों का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग आकर के अपने अपने स्थान ग्रहण करें, ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और जहां पर मैं रुक गया था, वहीं से मैं आगे अपनी बात को पुनः प्रारंभ करना चाहता हूं। अभी जो ये शासन का प्रशासन का प्रयास रहा है, जिसमें होमगार्ड्स विभाग का ये अद्भुत योगदान मैं कहूँगा अपनी तरफ से, कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऐसा योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य किया गया है कि जैसे आज़ादी की मशाल पहले चलती थी, ऐसे बैटन ऑफ फ्रीडम के नाम से एक प्रतीकात्मक मशाल हम लोग के पूरे इस मंडल से जो ब्लॉक क्षेत्र हैं वहां से होमगार्ड्स जवानों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने एक बड़ा ही जीवंत रैली निकाला। उसके बाद वो बैटन ऑफ फ्रीडम जो है उसको जिले स्तर पे ला करके जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया, और जिलाधिकारी महोदय ने उसको हमारे कमांडेंट साहब को काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के भागीदार बने हैं, जो हमें पुनः उस स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसी ताकतें हैं जो पुनः उस स्थिति में पहुंचाने के लिए रात दिन काम करती हैं। आज हम लोगों ने ये रैली जो निकाला है, ये हमारे विभिन्न जो ग्रामीण क्षेत्र हैं,
वहाँ के ब्लॉक लेवल पर हमारे होमगार्ड्स का जो संगठन है, जो कंपनियाँ हैं, वहाँ से प्रत्येक कंपनी के स्तर से एक ये निकली है हम लोग की रैली और तिरंगा यात्रा। हम लोग इसको, जैसे कि सरकार का ये अभियान चल रहा है, हम लोग उसमें होमगार्ड्स विभाग का बल अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। और इसके संबंध में हम लोगों ने, जैसा कि पहले आपको बताया, कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर से एक बैटन ऑफ फ्रीडम, जैसे कि आपके स्वाधीनता की मशाल थी, उसी के प्रतीकात्मक हम लोग बैटन ऑफ फ्रीडम को लेकर के पहले जिले स्तर पे आ रहे हैं, फिर उसको हम लोग जिले स्तर से लेकर के मंडली स्तर पे आ रहे हैं। और इस बैटल ऑफ फ्रीडम को कल हम लोग के माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय होमगार्ड मंत्री जी द्वारा, अपने प्रदेश के जो यशस्वी हमारे वो हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको प्रदान किया जाएगा। और वहाँ एक बहुत ही भव्य उसका आयोजन किया जाएगा, एक समारोह का, जिसमें कि 5 कालिदास मार्ग पे इसको कल दिया जाएगा। यह एक जी, हाँ, इसके अलावा हम लोग आज करीब हमारे 350 जवानों ने, महिला और पुरुष होमगार्ड्स ने, अपने गोरखपुर में विभिन्न मार्गों से एक झंडा यात्रा निकाला है, जिसमें लोगों को यह वो अवेयर कराया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वो लोग अपने तिरंगे को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको सम्मान करना है, किस प्रकार उसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाएंगे, ये संदेश लेते हुए पूरे अपने गोरखपुर के सड़कों पर ये टहलते हुए और यात्रा करते हुए इस 350 होमगार्ड के जवानों ने जन जागरण का अभियान चलाया है।